अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू हुआ टेक्स्ट बुक, सह संस्थापक आशुतोष कुमार का प्रतियोगियों से जुड़ने की अपील। स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक एडटेक स्टार्टअप है, जो खारघर में परीक्षार्थियों को एक बेहतर डिजिटल मंच दे रहा है। टेक्स्ट बुक एक IITN ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है, जिससे करोड़ों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं। अब यह रीजनल भाषाओं में भी शुरू किया जा रहा है। टेक्स्ट बुक के सह संस्थापक आशुतोष कुमार ने बताया कि टेक्स्ट बुक उन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो महंगे कोचिंग क्लासेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और सवाल जवाब भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक अब तक लाखों छात्रों को सफलता दिला चुका है। टेक्स्ट बुक की सफलता दर 7% है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, 70% से ज़्यादा बच्चे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, और छोटे शहर में ही अच्छे टीचर नहीं होते कहीं, क्योंकि वो अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में आ जाते हैं। और आज के डेट में बच्चों के पास स्मार्टफोन है, क्योंकि वो सस्ता हो चुका है, जियो है तो इंटरनेट है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बच्चे घर में बैठ करके ही वीडियो के थ्रू, चैट के थ्रू टीचर से बात कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू लेक्चर देख सकते हैं, लाइव इंट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो फ़ोन में कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको उनका एनालिटिक्स भी मिल जाता है, कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो। ये पहले पॉसिबल नहीं था ऑफलाइन में थ्रू, तो आई गेस इज अ वेरी ह्यूज बिग फ्यूचर फॉर एडटेक। और एडटेक का सर रियल वैल्यू ना छोटे शहर में ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे द पीपल नीड इट। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 130 एग्जाम अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, उसमें से 80% सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट एक साल में हम लोग 150 और एग्जाम अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं। तो आई गेस महाराष्ट्र में, जैसे मैंने बताया, 18 से 20 स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम साल भर में होते हैं। एक साल के अंदर आपको सारे के सारे एग्जाम का फुल एंड टू एंड प्रिपरेशन textbook.com में दिख रहा होगा, मिल रहा होगा, और सेम फॉर गुजरात, सेम फॉर बंगाल, सेम फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल। दोनों का फायदा होगा, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टेट सेंट्रल सब कुछ है, और हम नॉलेज की तरह बच्चों को हम लोग गाइड कर रहे होते हैं, तो आपका साथ ही साथ दोनों एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है ना कि अगर आप पढ़ाई जो है वो आप दिन में 3-4 घंटा करते हो, और आप मदर टंग में ही करना चाहोगे, ठीक है, अगर मैंने हिंदी में अपना मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं अगर 4 घंटा पढ़ूँगा, मैं हिंदी में पढ़ना कंफर्टेबल करूँगा। अगर मेरे को अगर मान लो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, ठीक है, वो एग्जाम भले इंग्लिश हिंदी में होता है, बट मैं 4 घंटा इंग्लिश में नहीं पढ़ाई कर सकता। और यहाँ पे एक एक लेक्चर मराठी में आना बहुत ही वैल्यू होने वाला है, क्योंकि यार समझ में तो आना चाहिए ना, अगर समझ में नहीं आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कि क्वेश्चन में भले इंग्लिश और हिंदी में सॉल्व कर लूँगा, पढ़ लूँगा, बट समझना के लिए तो आपको रीजनल लैंग्वेज में आना ही पड़ेगा, एंड दिस इज द फोकस फॉर दिस ईयर। 100 गुना अच्छा है और 10 गुना सस्ता है। इसे मैंने बताया कि बच्चों को 600 रुपये में साल भर का डिस्काउंट के साथ, कभी कभी बच्चों को 300 रुपये में वो मिल जाता है, ठीक है, मोर देन 130 एग्जाम का 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं अनलिमिटेड। और 500 रुपये में आपको 500 से 4000 रुपये में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। 500 रुपये में आजकल तो कुछ भी नहीं मिल पाता है, तो बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारा पूरा प्लेटफॉर्म और पूरा प्रोडक्ट और पूरा मॉडल इस तरीके से डिज़ाइन है कि मैं छोटे शहर में बच्चों को इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, वहाँ तक पहुँच पाऊँ, उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। मैं तो ये वॉन करना चाहूँगा, अभी वायरस का इतना चल रहा है, कोरोना वायरस का, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट और सारे लोग बोल रहे हैं कि आप घर में बैठिए, ट्रैवल मत कीजिए, और यहाँ पे इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, क्यों ट्रैवल करना है, कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया का बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रोडक्ट आपके फ़ोन में है, और आई गेस देखेंगे तो इंडिया का मोर देन 40-50% पॉपुलेशन यूथ है, और कहीं ना कहीं वो एजुकेट पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कुछ की पढ़ाई कर रहे हैं। घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, एंड गेट वेल। हमारा जो ऐप है बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, बट उसमें जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 8 languages में है, और अभी 2 से 3 महीने में ये पूरा का पूरा हमारा ऐप 8 से 9 languages में हो जाएगा। मराठी में है, बंगाली में है, आपका तेलुगु में है, तेलुगु में हमारे कोर्सेज भी चलते हैं। फ्यूचर प्लान ये कि यार हर घर घर में एक तो ऑफिसर होना चाहिए, और यही रीज़न है कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बॉम्बे में बैठ के नहीं बना रहे हैं, गांव गांव तक जाकर के बच्चों को एक्सेसिबल का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों को पेमेंट में प्रॉब्लम था तो हमने वाउचर बना दिया, बच्चों के गाँव के दुकान तक पहुँच गए। सो ऐसा है कि हर घर घर में, हर घर में होगा सरकारी अफसर। हमारे प्लेटफॉर्म पर मोर देन 1 करोड़ जनता रजिस्टर्ड है, और आज के डेट में 11 लाख से ज़्यादा पेड यूज़र्स हैं, और उसमें से 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर हैं, जो आज के डेट में भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोचिंग के साथ पार्टनर्स करते हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे कोचिंग्स हैं, जो वहाँ पे बुक स्टोर्स हैं, साइबर कैफेज, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि बच्चा को जो फॉर्म भरना होता है बच्चा साइबर कैफे जाता है,
और वहाँ पे हम उनसे पार्टनरशिप कर लेते हैं और वो लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला रहे होते हैं और फिर हम लोग पोस्टर्स लगाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जाकर के, हम लोग इंस्टीट्यूट्स में सेशंस भी कर रहे होते हैं, अवेयरनेस सेशंस। और इसी टाइप का प्लान हम इस साल महाराष्ट्र में बहुत मैसिव लेवल प्लान है क्योंकि अभी अपन 18 से 20 महाराष्ट्र के सारे एग्जाम्स लॉन्च करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।